हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करूंगा जो इंडिया में बहुत ही फेमस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शिनचैन एक ऐसा बच्चा जिसे हर कोई जानता है, ये बहुत ही शैतानी करता है। इसकी शैतानी देखने में हम सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। इसने कहीं ना कहीं हमारे बचपन में एक बहुत ही बट ये बच्चे को बनाया किसने है ये आज तक किसी को पता नहीं है। अब हम जान लेते हैं शिनचैन को बनाया किसने है, मतलब किसने शिनचैन जैसे फनी एनिमे को तैयार किया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स गेट टू द वीडियो। शिनचैन एक जैपनीज मांगा सीरीज है। उस मांगा को लिखा है योशितो उसुई। वो बहुत ही फेमस मांगा राइटर है जापान के। अब हम जान लेते हैं एनिमे की स्टोरी क्या है, यानी शिनचैन की ज़िंदगी के बारे में। ये फॉलो करती है एडवेंचर जो 5 साल के बच्चे के आसपास होता है। अब हम जान लेते हैं शिनचैन के पूरे नाम के बारे में। शिनचैन का पूरा नाम शिनुसुके है, उसे सब प्यार से शीन बुलाते हैं, शिन नुहारा। अब हम उनके पेरेंट्स के नाम के बारे में बात करेंगे। शिनचैन के डैड का नाम हिरोशी नुहारा है। हिरोशी नुहारा आम डैड्स की तरह ऑफिस को जाते थे। अब हम शिनचैन के मॉम के बारे में बात करेंगे। शिनचैन के मॉम का नाम मिस्सी नुहारा है, वो एक हाउसवाइफ है। और उनके फैमिली में एक और मेंबर है, उसका नाम आप सब जानते हैं, हिमावारी नुहारा। वो शिनचैन जितनी ही नटखट है, वो भी बहुत सारी शैतानी करती है। और शिनचैन के पास एक डॉग भी है, उस डॉग का नाम शीरो है। शिनचैन को शीरो एक स्ट्रीट पे मिला था, कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर। शिनचैन उसे अपने घर ले आया और अपने मॉम को रिक्वेस्ट करने लगा, मॉम प्लीज़ इसे रख लो। फिर शिनचैन के मॉम को ये इस पे शिनचैन की मॉम शीरो को घर पे रखने के लिए राज़ी हो गई। अब मैं बात करूँगा शिनचैन के बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में। शिनचैन को 5 दोस्त थे, उसमें पहले नंबर पे कजामा है। कजामा एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत ही समझदार है और वो ट्यूशन क्लास भी जाता है। वो ऐसा बच्चा है जिसे हर कोई मॉम उसे पसंद करती है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं मसाओ। मसाओ एक ऐसा रोतूड़ा बच्चा है जिसे हर कोई बच्चा परेशान करता है। मसाओ को बहुत सारे बच्चे बुली भी करते हैं। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे है बोचैन, उसे निकनेम से सुजुकी भी कहते हैं। सुजुकी एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही शांत स्वभाव का है, उसे स्टोन कलेक्ट करने की आदत है। वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्टोन कलेक्ट करता है। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर, उनका नाम है नैनी। एक नैनी एक ऐसी बच्ची है जो सबको ज़बरदस्ती अपने गेम खेलने के लिए फोर्स करती है और उसे कोई खेलना नहीं चाहता है बट वो फोर्स करती है। अब हम जान लेते हैं पाँचवें नंबर पे कौन है। हाँ दोस्तों, आप सही समझे, पाँचवें नंबर पे है आईचैन। आईचैन एक ऐसी रिच बच्ची है, वो बहुत ही अमीर है। वो शिनचैन के आसपास घूमती रहती है, उसे शिनचैन बहुत ही पसंद आता है बट शिनचैन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और मसाओ को आईचैन बहुत पसंद आती है। अब हम जान लेते हैं शिनचैन रहता कहाँ, वेयर डज शिनचैन लिव। शिनचैन जापान में कासुकावे टाउन में रहता है। चलिए अब हम जान लेते हैं शिनचैन कब मांगा मैगजीन में अपीयर हुए थे। क्रेयन शिनचैन, जब शिनचैन एनिमे नहीं बना था तो पहले मांगा में शिनचैन का नाम क्रेयन शिनचैन था। पहली बार जैपनीज वीकली मैगजीन में अपीयर हुई थी, उस मैगजीन का नाम वीकली मांगा एक्शन है। वो मैगजीन को पब्लिश किया है फुतुबाशा ने। वो बहुत ही फेमस मैगजीन पब्लिशर है, वो उसकी फेमस मांगा पब्लिशर है, बहुत सारी मैगजीन भी पब्लिश की है। चलिए अब हम जान लेते हैं शिनचैन क्यों बैन हुआ था, वाई द प्रोडक्शन ऑफ शिनचैन हैज़ बीन स्टॉप। सबके मन में एक सवाल ज़रूर होगा, शिनचैन के एनिमेशन इतनी पुरानी क्यों है, बट ये एनिमे पुराना है। तो मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। शिनचैन के मेन ऑथर की डेथ हो चुकी है। योशितो उसुई शिनचैन के ओरिजिनल एंड राइटर है, इसी कारण शिनचैन का ओरिजिनल स्टॉप लग चुका है। सितंबर 11, 2009 को ही शिनचैन बनना स्टॉप हो गया है, बट सारे फैन बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। इसके कारण योशितो उसुई के शिनचैन के बनाने वाले मेंबर्स ने एक ठान ली है। 2010 से उन्होंने
फिर से शिनचैन को बनाना स्टार्ट कर दिया है और सारे फैंस के मन में एक नई होप जाग उठी है। शिनचैन के फैंस बहुत सारे हैं, इसके कारण वर्ल्ड वाइड फेमस होने के कारण ये एनिमे को बनाना जरूरी था। इसको 100 टाइम्स बेटर बनाने के लिए इसे टॉय एनिमेशन साइन करना चाहता था, बट शिनचैन के मेंबर्स ने उन्हें कॉन्टेक्ट नहीं दिया। That's it for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।